आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिंह। सीबीआई कोर्ट के जज शिवपाल सिंह का खुलासा, लालू यादव की सिफारिश के लिए आए कई वोट। चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद को जेल में लग रही है ठंड। लालू यादव ने कोर्ट में कहा कि बहुत परेशानी में हूं हुजूर। अब शुक्रवार को देवघर कोषागार घोटाले के दोषी लालू प्रसाद की सजा की बिंदु पर होगी कार्रवाई। बीएसएफ ने लिया जवान की शहादत का बदला, 10 से 12 पाकिस्तानी रेंजर्स किए ढेर। पाक की नई चाल, नई वीडियो में जाधव से बुलवाया, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। भारतीय अधिकारियों ने मेरे परिवार को डराया और धमकाया था। अब खबर विस्तार से। लालू प्रसाद के लिए सीबीआई कोर्ट के जज शिवपाल सिंह के पास सिफारिश के फोन आ रहे हैं। इसका खुलासा स्वयं जज शिवपाल सिंह ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान किया। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद के दो लोगों ने उन्हें फोन किया था, हालांकि ये दोनों समर्थक थे या कोई नेता, जज ने यह जानकारी नहीं दी। सुनवाई के वक्त रांची सीबीआई कोर्ट के जज ने लालू यादव से कहा कि आपकी कई सिफारिशें मुझसे की गई हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल कानून का पालन करूंगा। चारा घोटाले में दोषी लालू प्रसाद को जेल में ठंड लग रही है। यह बात लालू प्रसाद ने स्वयं गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट के जज शिवपाल सिंह से कही। लालू प्रसाद ने जज से कहा कि उन्हें जेल में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जेल में लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ठंड भी बहुत लग रही है। इस पर जज ने कहा कि इसी कारण से तो आपको कोर्ट में बुलाया जाता है, ताकि आप अपने लोगों से मिल लें। ठंड लगती है तो जेल में हारमोनिया और तबला बजाइए, मस्त रहिए। फिर जज ने कहा कि आप जाइए, आज तो आपका नंबर भी नहीं है। इसके बाद लालू ने कहा कि हम भी वकील हैं जज साहब। इस पर जज ने कहा कि आप जेल में कोई डिग्री ले लीजिए। अब शुक्रवार को लालू प्रसाद की सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी। गुरुवार को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अंग्रेजी के अक्षर के से शुरू होने वाले नामों के दोषियों की सजा की बिंदु पर ही सुनवाई हो सकी। शुक्रवार को दिन के 2 बजे से चारा घोटाले में देवघर कोषागार से अवैध रूप से 89 लाख रुपए की निकासी के दोषियों की सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी। इससे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लालू प्रसाद को कोर्ट लाया गया। कोर्ट परिसर में लालू प्रसाद के समर्थकों की भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में बुधवार को शहीद हुए जवान की शहादत का बदला बीएसएफ ने 24 घंटे के अंदर ही ले लिया। बीएसएफ ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 2 चौकियों को तबाह कर दिया। इस कार्रवाई में कम से कम 10 से 12 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं। पाकिस्तान की ओर से एक नया वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कुलभूषण जाधव से यह कहलाया गया है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वीडियो में जाधव से यह कहलवाया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने उनके परिवार को मुलाकात से पहले डराया और धमकाया था। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान की नई पैतरेबाजी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पाकिस्तान शुरू से ऐसा कर रहा है। My physical fitness, and she was really very satisfied and felt very serious. She said, also, I am feeling very relaxed after seeing you. I am satisfied. She said, a dua, which is among the Hindus very common for me. I said, don't worry, mommy, now you are happy. I have had so many things. My dad is very beautiful. I have done a very good thing here and they have taken care of me. They have not harmed me. They have not touched me. She believed once she saw me personally. But I have to say one thing very important here. For the Indian public and the Indian crowd and the Indian government and people in Navy, that my commission is not gone. I am a commissioned officer of the Indian Navy, and my mother and my wife have been briefed very strongly. They were being told, they were being, I saw fear in the eyes of my mother and my wife. Why should they be feared? Whatever has happened, has happened. They
shouldn't be fear in the eyes of my mother and my wife. They've been threatened. The Indian diplomat or the Indian person who had come along with my mother was shouting on my mother the moment she stepped out, or she was yelling at her. Had she been brought under threat here to meet me? This gesture was a positive gesture so that she feels happy, I feel happy. And there is the Indian diplomat or some person standing outside yelling at her. We in India and Pakistan are supposed to subsequently forget our enmity and go in a positive direction, or it is supposed to keep on hanging around and lingering around like this? अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और इंतजार करिए आजाद सिपाही खबर विशेष का राकेश सिंह के साथ। धन्यवाद।